हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगी उस टॉपिक के बारे में जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यस, मैं बात करने वाली हूं यहां पे पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी हैवी ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पीपीएच क्या होता है और ये कैसे होता है, यानी इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं। ओके, और ये कितने प्रकार का होता है, टाइप्स क्या होते हैं इसके। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पीपीएच को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। सो इस वीडियो को बहुत ही आप ध्यान से देखें और एंड तक देखें, बिकॉज मैं बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में और शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि पीपीएच होता कैसे है। ओके, सो पीपीएच एक इम्पॉर्टेंट ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी है जो कि वुमेन के अंदर मैटरनल मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी रेट, यानी डिजीज कॉजिंग रीजन एज वेल एज डेथ कॉजिंग रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये कई वजह से हो सकती है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ केयर, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान या फिर लेबर के दौरान अगर सही ढंग से मैनेज ना किया जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फैसिलिटी अगर अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर टेक्निक्स अगर नहीं है, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन वुमेन के अंदर लीडिंग कॉज बन सकती है फॉर द डेथ। ओके, तो अगर ट्रेडिशनली अगर डिफाइन किया जाए, तो अगर 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होता है इन वजानल डिलीवरी, और अगर 1000 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होता है इन सीजरन सेक्शन, तो इसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। बट क्लिनिकली इसे और ज़्यादा क्लियरली डिफाइन किया जा सकता है, बिकॉज जो एक्चुअल लॉस होता है इस क्वांटिटेटिव लॉस से कई गुना ज़्यादा होता है। यस, सो अगर वुमेन की जो कंडीशन है अगर वो बहुत एडवर्स होने लगती है विद दिस लॉस ऑफ ब्लड, लाइक अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है या फिर पल्स रेट इंक्रीज हो रही है, वुमेन फील्स फटीग या फिर बहुत ज़्यादा टायर्ड है, पेल फील हो रही है, तो वुमेन को हम पोस्टपार्टम हेमरेज कंडीशन के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज जब लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में धीरे धीरे क्या होने लगता है, उस ब्लड को कंपनसेट करने के लिए और बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हार्ट एक्सेसिवली पम्प करता है विद दिस डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड। ओके, तो जब एक्सेसिवली पंप करता है तो देर इज़ अ इंक्रीज पल्स रेट, टैकीकार्डिया दिखाई देगा, एज वेल एज जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, ड्रॉप डाउन हो जाएगा। सो देर इज़ अ हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, फटीग। ओके, तो अगर ऐसे सिम्टम्स वुमेन के अंदर दिखाई देते हैं तो ये पोस्टपार्टम हेमरेज की ओर इंडिकेट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ACOG, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, जो डेफिनेशन दी गई है पीपीएच की वो ये है कि अगर हेमाटोक्रिट की वैल्यू यानी PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी होल ब्लड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ RBC है, उस हेमाटोक्रिट की वैल्यू अगर 10% से ज़्यादा अगर लॉस हो जाती है विद अ प्रीवियस रीडिंग, तो हम इसे PPH के अंदर कंसिडर करेंगे। बिकॉज ब्लड लॉस जब एक्सेसिवली होगा तो देर विल बी अ मोर लॉस ऑफ RBC, RBCs का लॉस ज़्यादा होगा, जिसके कारण क्या होगा, हेमाटोक्रिट की वैल्यू क्या दिखाई देगी, कम। सो अगर 10% से ज़्यादा अगर लॉस हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, इसे PPH के अंदर कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ACOG। नाउ व्हाट आर द टाइप्स, देर आर टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी यानी डिलीवरी के बाद से लेकिन 24 आवर्स के अंदर अगर जो ब्लीडिंग होती है उसे प्राइमरी बोलते हैं, लेकिन अगर ब्लीडिंग 24 आवर्स के बियॉन्ड होती है बट विद इन द प्यूपेरियल पीरियड 6-12 वीक्स के अंदर अगर होती है, तो उसे सेकेंडरी पीपीएच कहेंगे, जिसे डिलेड, लेट और प्यूपेरियल हेमरेज भी बोल सकते हैं। सो देर इज अ प्राइमरी पीपीएच एंड सेकेंडरी पीपीएच, और इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो है प्राइमरी पीपीएच, यानी ब्लीडिंग डिलीवरी के बाद लेकिन विद इन 24 आवर्स होती है। एंड इसे भी अगेन टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, थर्ड स्टेज हेमरेज एंड सेकेंड इज दी ट्रू पीपीएच। सो थर्ड स्टेज, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, प्लासेंटा एक्सपेल्ड आउट होता है, लेकिन यहाँ पे प्लासेंटा कम्प्लीटली एक्सपेल्ड आउट नहीं हो पाता है इन थर्ड स्टेज हेमरेज, उससे पहले ही हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड द सेकेंड इज द ट्रू पीपीएच, जिसके अंदर प्लासेंटा एक्सपल्शन के बाद में ब्लीडिंग क्या होती है, स्टार्ट होती है। ओके, एंड इन दोनों के अंदर भी सबसे कॉमन जो होता है वो है ट्रू पीपीएच, यानी ब्लीडिंग होना आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा बट विद इन द 24 आवर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट हम डील करेंगे कॉजेज ऑफ पीपीएच। सो सबसे पहले अगर हम प्राइमरी पीपीएच के बारे में बात करें, तो इसे 4 T's के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। 4 T's यानी T फॉर टोन, T फॉर ट्रॉमा, T फॉर टिश्यू एंड T फॉर थ्रॉम्बिन। ओके,
नाउ इस प्राइमरी पीपीएच के अंदर जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है जिसके कारण यूजुअली ब्लीडिंग होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशन, तो वो है एटोनिसिटी, यानी टोन, यहाँ पे टोन डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे पहले मैं कॉजेस पे जाऊँ, बेसिक ब्लीडिंग स्टॉप होने के पीछे फिनोमिना क्या होता है, व्हाट इज द नॉर्मल मैकेनिज्म टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। सो जैसे ही बेबी का बर्थ होता है और उसी के साथ में जब प्लासेंटा एक्सपेल आउट होता है तो यूट्रस बिकम कॉन्ट्रैक्ट। यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्टिव एबिलिटी जो होती है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ मैकेनिज्म है टू स्टॉप ब्लीडिंग। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन होता है तो मायोमेट्रियल की जो मसल फाइबर्स क्रिस क्रॉस फैशन में जो अरेंज होती है, जैसे लिविंग लाइगेचर भी बोलते हैं, ये क्रिस क्रॉस फैशन मसल फाइबर्स क्या करती हैं, इसके अंदर से जो ब्लड वेसल्स रन करती हैं उसे क्या करती है, कंप्रेस करती हैं। ओके, सो फर्स्ट लाइन मैकेनिज्म क्या होता है ब्लड को स्टॉप करने के लिए, ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए, टू कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन से ब्लड वेसल्स क्या होती है, कंप्रेस। एंड सेकेंडली क्या होता है कि जैसे ये वेसल्स कंप्रेस होती हैं, लाइक जैसे प्लासेंटा सेपरेट होता है एंड जैसे टोन वेसल्स हैं वो ओपन होती है, बट सडनली दे बिकम कंप्रेस्ड बाय दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्टिव एबिलिटी ऑफ मसल फाइबर। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसी के साथ में जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर हाइपर कोएगुलेबल स्टेट जो होता है, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेगनेंसी के दौरान जो बढ़ते हैं, वो यहाँ पे सेकेंड लाइन एक्ट करते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, जो टोन्ड वेसल्स हैं, जो कंप्रेस्ड वेसल्स हैं, वहाँ पे वो एक्यूमुलेट होते हैं और उन ओपनिंग्स को क्या कर देते हैं, ये ब्लॉक। ओके, सो दिस इज अ नॉर्मल मैकेनिज्म कि पहले कंप्रेशन होना विद द मसल फाइबर एंड देन क्लॉटिंग फैक्टर्स का एक्टिवेट होना और वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन करना। बट वॉट हैपन इन फर्स्ट टी, दैट इज इन टोन, टोन इज कम्प्लीटली डिस्टर्ब, जिसमें यूट्रस जो है वो कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट नहीं हो पाता है, और जब ये नहीं होता है तो वेसल्स रिमेन ओपन, और जब ये टोन वेसल्स ओपन रहती है तो देर विल बी अ हैवी ब्लीडिंग। ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग। सो ये क्यों टोन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, देर आर मैनी रिस्क फैक्टर्स फॉर दिस डिस्टर्बेंस। सो फर्स्ट रिस्क फैक्टर होता है ग्रांड मल्टीपैरा, जिसके अंदर वुमेन 5 और मोर देन दैट टाइम्स क्या कर चुकी है, डिलीवर कर चुकी है, और जब इतनी बार वो डिलीवर कर चुकी है तो उसी के साथ में फर्स्ट वुमेन एनेमिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड सेकेंडली हम जानते हैं कि प्लासेंटा नॉर्मली कहाँ पे अटैच होता है, इन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, यस। बट क्या होता है विद द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, अब ये जो प्लासेंटा है नॉर्मली एंडोमेट्रियम में नहीं वेर इन डीपर लेयर में इम्प्लांट होने लगता है, लाइक इन मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। सो जब डीप इन्वेजन होता है तो इसे क्या बोलते हैं, मॉर्बिड एडहेरेंट प्लासेंटा, लाइक प्लासेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा, इसके बारे में मैं डिटेल नहीं जाऊंगी। सो जब प्लासेंटा नॉर्मली इम्प्लांट नहीं होता है, वेरिजन अगर ये बहुत डीपर लेयर में इम्प्लांट होता है तो क्या कॉज करता है कि वहाँ से सेपरेशन होना डिफिकल्ट हो जाता है, और जब सेपरेट होता है तो इट विल बी पार्शली सेपरेटेड, और जब पार्शली सेपरेट होगा तो दैट विल कॉज ब्लीडिंग। ओके, सो अगर ग्रांड मल्टीपैरा है तो इसके अंदर मॉर्बिड एडहेरेंट प्लासेंटा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, यस। एंड जिसके कारण जो रिट्रैक्टिव एबिलिटी है क्या होगा, जब प्लासेंटा अगर डीपर लेयर में इम्प्लांट है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्टिव एबिलिटी नहीं हो पाएगी, बिकॉज प्लासेंटा इज अटैच इन द मायोमेट्रियम और इन पेरीमेट्रियम, तो जिसके कारण क्या होगा, इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट रिट्रैक्शन नहीं होगा, टोन डिस्टर्ब होगी, जिसके कारण क्या होगा, ब्लीडिंग। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर होता है प्रोलॉन्ग लेबर और प्रेसिपिटेट लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर यानी जिसमें जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज का जो ड्यूरेशन है वो 18 आवर और उससे भी ज़्यादा हो जाता है, और जब लगातार इतने ड्यूरेशन तक अगर यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट होता है तो उसके बाद क्या होता है, देर इज़ अ मसल फटीग, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्टिव पावर है वो डिक्रीज हो जाता है, जो फोर्स पर्टिकुलरली अप्लाई हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिक्रीज, और जब फोर्स उतनी स्ट्रांगली अगर नहीं लग रहा है तो क्या होगा, वेसल्स प्रॉपरली ऑक्लूड नहीं होंगे एंड देर विल बी अ ब्लीडिंग। नेक्स्ट होता है प्रेसिपिटेट लेबर, यानी जिसमें कंबाइनली फर्स्ट और सेकंड स्टेज का जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स से भी कम हो जाता है, यानी रैपिड डिलीवरी। सो अगर रैपिड डिलीवरी होती है तो क्या होता है कि जो सडन एनलार्ज यूट्रस है वो एकदम से जो कंटेंट डिमिनिश हो चुका है बिकॉज ऑफ द एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा इन द फीटस, वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाता है एंड एकदम से उसके अंदर इतनी स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्टिव एंड रिट्रैक्टिव एबिलिटी नहीं हो पाती है कि वो सडन डिमिनिश कंटेंट के साथ में यूट्रस के अंदर
फोर्सफुली अप्लाई कर सके, जिसके कारण अगेन क्या होता है, देयर इज अ ब्लीडिंग। यस, नेक्स्ट होता है माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया। सो अगर प्रॉपरली प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन को ट्रीट नहीं किया जाए, प्रॉपर नरिशमेंट ना दिया जाए, तो ऐसी एनिमिक वुमेन 500 ml नहीं वेरजन फ्यू अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस को भी वो टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, एंड शी कैन डेवलप हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया, शी मे हैव फटीग, वीकनेस। ओके, सो शी इज टू बी कंसिडर्ड इन अ PPH केस विद अ फ्यू अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इवन दो। अगर यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स हैं, यानी स्मूथ मसल नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हैं, तो वो भी क्या करते हैं, ये इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन के अंदर मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं बिकॉज देर इज अ ट्यूमर, सो प्रॉपरली ब्लड वेसल्स को ऑक्लूड नहीं करने देंगे। ओके, सो इन दैट कंडीशन ऑल्सो देर इज अ एटोनिसिटी। ओके, द नेक्स्ट रीजन इज द ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस। ओवर डिस्टेंशन यानी यूट्रस जो है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है। ऐसी कौन सी कंडीशन है, लाइक अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है जिसमें दो या उससे ज़्यादा फीटसेस एक साथ ग्रो कर रहे हैं, या फिर पॉलीहाइड्रोमनियोज है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, या फिर मैक्रोसोमिया है जिसमें जो फीटस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। सो इन एनी ऑफ द कंडीशन जिसमें यूट्रस की साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यूट्रस बिकम ओवर डिस्टेंडेड, तो इस ओवर डिस्टेंशन के कारण भी क्या होता है, प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन इक्वली नहीं हो पाता है, जिससे वेसल्स प्रॉपरली ऑक्लूड नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर होता है एंटीपार्टम हेमरेज, जिसमें होता है प्लासेंटा प्रीविया एंड अब्रप्शो प्लासेंटा। सो प्लासेंटा प्रीविया विनो की प्लासेंटा कहाँ होता है, लो लाइन इन दिस कंडीशन, नॉर्मली कहाँ सिचुएटेड होता है, अपर सेगमेंट में, लेकिन यहाँ पे लो लाइन हो जाता है, लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट होता है। अगर लोअर सेगमेंट में है तो क्या होता है, देर इज अ पुअर रिट्रैक्टिव एबिलिटी ऑफ लोअर सेगमेंट, क्योंकि जो कंट्रैक्शन फोर्सफुली अप्लाई होते हैं वो अपर सेगमेंट से डाउनवर्ड मूव होते हैं, एंड कंपेरेटिवली लोअर जो सेगमेंट होता है उसमें रिट्रैक्टिव एबिलिटी उतनी नहीं होती है। और सपोज अगर प्लासेंटा वहाँ इम्प्लांट है तो क्या होगा कि प्रॉपर रिट्रैक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा, वेसल्स ऑक्लूड नहीं होगी एंड देर विल बी अ मोर ब्लीडिंग। ओके, और APH में दूसरा होता है अब्रप्शो प्लासेंटा, यानी प्लासेंटा प्री मेच्योरली ही सेपरेट हो जाता है। तो अगर प्री मेच्योर सेपरेशन होगा तो क्या होगा, देर इज अ ब्लीडिंग, सेपरेशन के साथ में ब्लीडिंग होगी, और मे बी समटाइम इट इज रिवील्ड जो कि बाहर आ जाती है, लेकिन समटाइम इट मे बी कंसील्ड। बट अगर कंसील्ड टाइप की है जिसमें प्लासेंटा के बैक साइड अगर ये ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि ये एक तरीके से मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है, जिससे रिट्रैक्टिव एबिलिटी प्रॉपरली नहीं होगी। देर इज वन मोर रीजन जो मैं आगे डील करूंगी। एंड उसी के साथ अगर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया, लाइक प्लासेंटा सेपरेट नहीं हुआ है और उससे पहले ही विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन अगर एक्टिव पुलिंग हो रही है, कॉर्ड को हम ट्रैक्शन दे रहे हैं, कॉर्ड को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देर विल बी अ पार्शियल सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा जो कि ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। ओके, एंड अगर प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटी है, इम्प्लांटेशन एबनॉर्मेलिटी, जैसे मैंने बताया कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे यूजुअली इम्प्लांट होता है, बट अगर ये एंडोमेट्रियम में ना इम्प्लांट होके मायोमेट्रियम एज वेल एज पेरीमेट्रियम के अंदर डीपली इन्वेड होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देर इज अ डिफिकल्टी इन सेपरेशन, और देर में भी पार्शियल सेपरेशन, या फिर सेपरेशन के साथ में हो सकता है कि कुछ बिट्स ऑफ टिश्यूज क्या कर सकते हैं कि यूट्राइन कैविटी के अंदर ही रिमेन रह सकते हैं। ओके, वहीं पे छूट सकते हैं जब हम प्लासेंटा को एक्सपेल आउट करने की कोशिश करते हैं तब। तो अगर कुछ टिश्यूज, कुछ मेम्ब्रेन्स अगर लेफ्ट बिहाइंड रह जाती हैं, तो ये भी अगेन क्या कॉज कर सकती हैं, दैट इज PPH। सो ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए कि जिसमें जो टोन है यूट्रस की वो क्या हो सकती है, डिस्टर्ब, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज बिहाइंड प्राइमरी PPH। ओके, ग्रांड मल्टीपैरा, ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, प्रोलॉन्ग एंड प्रेसिपिटेट लेबर, प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटीज इन द इम्प्लांटेशन, मिसमैनेजिंग ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एंटीपार्टम हेमरेज, ओके, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। सो दीज आर द रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो कि एटोनिसिटी कॉज करते हैं। सो फर्स्ट टी इज द डिस्टर्बेंस इन टोन, सेकेंड टी इज ट्रामा। सो अगर किसी भी वजह से जेनाइटल ट्रैक इंजुरी होती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, लाइक अगर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है, या एपिस्टिटोमी दी गई है, या फिर सिजेरियन सेक्शन है, सो एनी ऑफ द रीज़न अगर किसी भी वजह से जेनाइटल ट्रैक में इंजुरी होती है, लाइक इन सर्वाइकल रीजन, वजाइना, पेरिनियम, और देर में बी अ रप्चर ऑफ यूट्रस, तो ये क्या कॉज कर सकता है, हैवी ब्लीडिंग। सो द ट्रॉमा इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉज
टू कॉज द प्राइमरी पीपीएच. फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज था एटोनिक यूट्रस एंड द सेकेंड इज द ट्रॉमा. थर्ड ये होता है टिश्यू. टिश्यू यानी कोई भी अगर प्लासेंटल सेपरेशन के दौरान अगर प्लासेंटल बिट्स कुछ रिमेन रह गए हैं अंदर, कुछ टिश्यूज अगर लेफ्ट बिहाइंड है, या फिर फीटल मेम्ब्रेन अंदर रह जाती है, या कुछ क्लॉट्स हैं, तो ये भी क्या कॉज करते हैं, हैवी ब्लीडिंग. ओके, सो रिटेन टिश्यू इज दी अनदर थर्ड टी टू कॉज प्राइमरी पीपीएच. नाउ द फोर्थ टी होता है दैट इज थ्रोम्बिन यानी कोएगुलोपैथी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर. और इसमें जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जो कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर कर सकते हैं, उसमें एक्वायर्ड कॉजेज भी हैं और कंजेनाइटल भी है. बट कंजेनाइटल के कारण बहुत ही रेयर ये कॉम्प्लिकेशन होता है. मोस्ट ऑफ एक्वायर्ड ऑब्स्टेट्रिकल जो रीजंस होते हैं उसके कारण ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, लाइक सीवियर प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया, हेल्प सिंड्रोम, अब्रप्शियो प्लासेंटा. ये सारे रीजन है जिसमें एक्वायर्ड रीजन के कारण ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं. अब्रप्शियो प्लासेंटा लाइक इसमें क्या होता है कि जब कंसील्ड टाइप ऑफ ब्लीडिंग होती है, जब प्री मेच्योरली प्लासेंटा सेपरेट होता है और जहाँ ब्लड वहाँ पे सेपरेशन के साथ में रिलीज होता है, तो वो क्या हो जाता है, पीछे एक्यूमुलेट हो जाता है. और जब वहाँ एक्यूमुलेट होने लगता है तो सारे क्लॉटिंग फैक्टर उसमें क्या होने लगते हैं, इन्वॉल्व होने लगते हैं. ओके, और जब सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स वहाँ इन्वॉल्व होते हैं तो उसी के साथ में डेड टिश्यूज और उन क्लॉटिंग प्रोडक्ट्स में से क्या रिलीज होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन. और ये इवन दो थ्रोम्बोप्लास्टिन का एंटर करता है मेटरनल सर्कुलेशन में. सो जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है इन मेटरनल सर्कुलेशन, अगेन वहाँ पे क्या कॉज करने लगता है, दैट इज क्लॉट्स. सो जगह जगह पे ये क्लॉट्स क्रिएट करने लगता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो डिमिनिश होता है इन द मेजर ऑर्गन, जिसके कारण सडनली कहीं पर भी हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है. सो दिस मे लीड इन टू दी DIC, डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी और कोएगुलेशन, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज से जगह जगह पे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के अंदर क्लॉट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे. सो दैट मे कॉज हैवी ब्लीडिंग इन वुमेन विद दिस अब्रप्शियो प्लासेंटा. तो यहाँ पे अब्रप्शियो प्लासेंटा के अंदर क्या हो रहा है कि जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो यूज्ड अप हो रहे हैं, और जब वो यूटिलाइज हो रहे हैं इन दिस क्लॉट फॉर्मेशन, तो ब्लीडिंग के दौरान कोएगुलेशन जो है वो वर्क नहीं करेगा, नॉर्मल कोएगुलेशन वर्क नहीं कर पाएगा. दैट मे कॉज हैवी ब्लीडिंग इन वुमेन. सेम एज इन प्रीएक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया, हेल्प सिंड्रोम, देर इज अ लो प्लेटलेट काउंट. और अगर प्लेटलेट लो है तो अगेन दैट विल कॉज डिफिकल्टी इन क्लॉटिंग. ओके, सो दीज आर दी फोर टीज जो कि रेस्पॉन्सिबल रीजन्स होते हैं इन कॉजिंग प्राइमरी पीपीएच, दैट टोन, ट्रॉमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन. नेक्स्ट जो सेकेंडरी पीपीएच के लिए रेस्पॉन्सिबल कॉज होता है, दैट इज वेरी कॉमन रीजन जो होता है, दैट इज रिटेन बिट्स ऑफ टिश्यू. अगर कुछ टिश्यूज प्लासेंटल सेपरेशन के दौरान टिश्यूज या फिर फीटल मेम्ब्रेन लेफ्ट बिहाइंड है, तो दैट मे कॉज ब्लीडिंग लेटर ऑन. ओके, जो कि 24 आवर्स के बाद में डेवलप हो सकती हैं, बट विद इन प्यूपेरियल पीरियड. सो द मोस्ट कॉमन कॉज जो कि प्राइमरी पीपीएच के अंदर होता है वो है एटोनिक यूट्रस, एंड द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर सेकेंडरी पीपीएच जो है वो है रिटेन बिट्स ऑफ टिश्यूज. बट ओवरऑल जो पीपीएच के लिए सबसे कॉमन कॉज जो माना जाता है वो क्या है, एटोनिक यूट्रस. ओके, नाउ कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं, पहली चीज कि पीपीएच हो रहा है तो देर इज अ मोस्टली विजिबल ब्लड लॉस जो कि बाहर से हमें दिखाई देगा, देर में भी है सोक्ड गॉजेस. ओके, सो गॉज पीस जो है वो हैवी ब्लीडिंग के साथ सोक्ड अप है, क्लोज जो है वो वेट होंगे, स्पिल आउट हो सकता है ये ब्लड. ओके, सो तो यहाँ पे हम एस्टिमेटेडली ब्लड लॉस को मेजर कर सकते हैं, जो जितना वेट वेट गॉज पीस का है उसमें से हम ड्राई जो गॉज पीस है उस वेट को हम माइनस कर देंगे, देन हमें एक एस्टिमेटेड ब्लड लॉस का मेजरमेंट मिल सकता है. तो इस तरीके से मेजर कर सकते हैं. बट अगर कंसील्ड टाइप की अगर ब्लीडिंग हो रही है तो दैट इज मोर डेंजरस, जो कि लेटर ऑन सीवियर शॉक एज वेल एज डेथ भी कॉज कर सकती है इन अ वुमेन. अगर हम पाल्पेशन के जरिए ऑब्जर्व करें तो जो एटोनिक यूट्रस होता है जिसमें टोनिसिटी लॉस हो जाती है, उसको हम कैसे पाल्पेट कर सकते हैं, अगर हमें यूट्रस फ्लैसिड यानी फ्लैबी, बोगी या फिर आप कह सकते हैं सॉफ्ट, अगर ऐसा फील होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है, देयर इज अ लॉस ऑफ टोनिसिटी ऑफ यूट्रस, दैट इज यूट्रस कैसा है, एटोनिक. तो इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पीपीएच का रीजन है वो क्या है, एटोनिक यूट्रस, बिकॉज यूट्रस कैसा फील हो रहा है, सॉफ्ट फ्लैसिड. ओके, बट अगर ट्रोमैटिक रीजन है
कहीं पे टियर है इन सर्विक्स वजाइना एनीवेयर एल्स, तो उस कंडीशन में यूट्रस वेल कॉन्ट्रैक्टेड होता है, फर्म इन फील होता है, ओके फर्म फील है ऑल दो द ब्लीडिंग इज देयर। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ट्रॉमा इज द रीजन फॉर पीपीएच। ओके सो यहाँ पे इस लेक्चर के जरिए हमने देखा कि पीपीएच क्या होता है और इसमें टाइप्स क्या हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉजेज होते हैं इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पीपीएच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इस कंडीशन को मैनेज कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।